नमस्कार, लेट्स कुक समथिंग में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं बेल की बर्फी बना रहे हैं। तो ये एक नया रेसिपी है, यूनिक डिश हम बना रहे हैं और इसे बनाना बिल्कुल आसान है। तो इसे आप बना के ज़रूर ट्राई करिए कीजिएगा। और चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बेल का बर्फी बना रहे हैं तो ये हमने बेल लिए। बेल आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको तोड़ के इसका जो है हम पल्प निकाल लेंगे। ये हमने पल्प निकाल लिए हैं, तो पल्प बिना बीज वाला हम लिए हैं। बीज और रेसा इसमें नहीं है, थोड़ा बहुत रेसा है लेकिन बीज वाला बिल्कुल ही नहीं लिए। जो छिलके के पार्ट में रहता है वो वाला हम लिए हैं। ये हमने आधा कप बेसन लिए हैं और ये हमने 10-15 काजू और 10-15 हमने बादाम लिए हैं। तो इन सबको क्या करेंगे, हम कूट लेंगे। रख दिए हैं और इसमें हम घी डाल देते हैं। 2 चम्मच घी डाल दिए हैं और इसमें हम क्या करेंगे, ये बेसन जो लिए हम बेसन डाल देते हैं। और इसे हमें क्या करना है, मीडियम फ्लेम पे इसे हमें भूनना है अच्छी तरह से, जब तक इसमें से अच्छी तरह से खुशबू ना आने लगे। तो इस तरह से आप बनाइएगा बेल का बर्फी, तो आपका बर्फी काफ़ी अच्छा बन के तैयार होगा। बेसन को हमने मीडियम फ्लेम पर हम इसे भून लिए हैं, तो बेसन का आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो चुका है और इसमें से खुशबू भी अच्छा आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये हमने बेल का जो पल्प निकाले थे इसे हमने डाल दिए हैं और इसे भी हम क्या करेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही चलाते हुए पकाना है। ये मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं, इसमें थोड़ा बहुत रेसा है, अगर ज़्यादा हो तो आप निकाल दें, अगर आप निकाल सके तो निकाल दें। अब इसमें हम क्या करेंगे, घी ऐड कर दे रहे हैं। तो फिर से हम इसमें 2 चम्मच घी ऐड किए हैं। अब इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं ये चीनी। तो ये हमने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी लिए हैं। तो चीनी आप अपने हिसाब से डाल दें, आपको कितना मीठा पसंद हो उस हिसाब से डाल दें। तो इस प्रोसेस से आप बनाइए बेल का बर्फी, तो बर्फी आपका अच्छा बनेगा। तो अगर आपको इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें। इससे ये होगा हम जो भी लेटेस्ट वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिए हैं तो उसके लिए धन्यवाद। चीनी डालने के बाद हम इसे 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे हम इसे भून लिए हैं, तो इसमें से काफ़ी अच्छा खुशबू आने लगा है। अब इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं, ये हमने 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, ये हमने 5-6 इलायची का पाउडर बना लिए हैं, वो डाल देते हैं। और अब इसमें हम ऐड करेंगे, तो ये सारे प्रोसेस जो है आपको मीडियम फ्लेम पे ही करना है। तो ये बर्फी बना के खाइए तो आप हमेशा बर्फी पसंद करेंगे बनाना। ये काफ़ी अच्छा टेस्टी बर्फी बन के तैयार होता है। अब इसमें हम ये जो भून के रखे हैं बेसन, तो बेसन ऐड कर दे रहे हैं। अब बेसन ऐड करके इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो बेसन डाल के हम इसे क्या किए हैं, अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इसमें हम ये डाल देते हैं, ये हमने काजू बादाम को पीस लिए, थोड़ा सा हम बचा लेते हैं और इसे भी अच्छी तरह से मिला के उसके बाद हम क्या करेंगे, गैस बंद कर देंगे। हमें इस तरह से सूख जाए, देख सकते हैं आप, देखने से आपको लग रहा होगा गीला बिल्कुल भी ना रहे, तब आप बंद करें गैस। अगर गीला हो तो थोड़ा और आप इसे चला लें। तो ये देखिए, इसे हमने बेसन डालने के बाद इसे हमें 3 से 4 मिनट फिर से हमें बेसन डालने के बाद ही हम इसे चलाते हुए पकाए हैं। तो ये हुआ, ये अच्छी तरह से सूख चुका है। हमने गैस बंद कर दी और एक प्लेट लिए और इसमें घी डाल दिए हैं और इसे क्या करेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे बर्तन में। इसे हम अच्छी तरह से फैला लिए हैं बर्तन में, कोई भी प्लेट आप ले लें। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट बचा के रखे थे इसे ऊपर से डाल देंगे और इसे हम क्या करेंगे, 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। 2 घंटे हो गए हैं फ्रिज में हमने रखे हैं, तो ये बर्फी मेरा अच्छी तरह से सेट हो गया। अगर आपका सेट ना हो तो थोड़ा देर और आप फ्रिज में रख दें। अब इसको हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे। तो बर्फी बनके तैयार है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये बर्फी बनके तैयार हुआ है, बेल का बर्फी। तो इसे बनाना भी बिल्कुल आसान है और खाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये मिठाई आप घर में बना के खा सकते हैं और इसे आप बनाइए, आपके घर में हर किसी को पसंद भी आएगा, क्योंकि एक नया रेसिपी है और ये इस तरह का मिठाई आपको मार्केट में बहुत ही कम मिलेगा। तो आप घर में बना के आप ट्राई कीजिए, आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।